नमस्कार दोस्तों, मैं तारा प्रकाश तिवारी डॉक्टर नेचर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये प्रोग्राम, जैसे ऑलरेडी आप कुछ प्रोग्राम देख चुके होंगे, इस प्रोग्राम का नाम है फ्यूचर डायमंड विद डॉक्टर नेचर। डॉक्टर नेचर एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले एक साल से भारत में काम कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में। डॉक्टर नेचर वेलनेस को प्रमोट करती है, आयुर्वेदा को प्रमोट करती है। और ये कंपनी है बेबी चाइल्ड वृतिका रोबोटेक का। और वृतिका रोबोटेक 2007 से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। खुद का अपना ऑन मैन्युफैक्चरिंग है जो कि जयपुर में स्थित है। फैक्ट्री को ऑलरेडी हजारों लोग डॉक्टर नेचर से देश के अलग अलग राज्यों से विजिट कर चुके हैं। डॉक्टर नेचर 24 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को निर्यात करती है। और भारत के लीडिंग ब्रांड्स हैं, चाहे डाबर है, बैद्यनाथ है और बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्पेशली हर्बल जूसेस। डॉक्टर नेचर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आके लोगों तक घर घर आयुर्वेद को पहुंचाना चाहती है। इंटरनेशनली जो 24 कंट्रीज जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन विश्व के ज्यादातर देशों में आयुर्वेद की डिमांड है। तो यही सोच के डॉक्टर नेचर ने इस बिजनेस को इंटरनेशनल एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का निर्णय लिया है। डॉक्टर नेचर के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं डे वन से, जो डॉक्टर नेचर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, डॉक्टर नेचर के विजन और मिशन को समझते हैं और एक लीडर की भूमिका निभाते हुए, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर नेचर के डायमंड पोजीशन की तरफ अग्रसर है। डायमंड एक ऐसा पोजीशन है डॉक्टर नेचर के बिजनेस प्लान में जो कि बहुत एक स्टेबल इनकम दे देता है, जहां पे 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग इनकम से लेकर 3 लाख रुपए तक एज ए डायमंड या इससे ज्यादा भी, आपकी टीम अगर साइज बड़ा है तो आप इनकम ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ है जिनका नाम है नितिन मोदी जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ डॉक्टर नेचर के साथ और आज के प्रोग्राम में। तो मैं जानना चाहूंगा नितिन जी की जर्नी के बारे में, क्यों डॉक्टर नेचर के साथ में, क्या इनका लाइफ जर्नी रहा है, तो हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो नितिन जी, सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आपका परिचय हमारे डॉक्टर नेचर परिवार या जो भी लोग हमारे व्यूअर्स से सुनना चाहते हैं, तो आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते नेचर। मेरा नाम नितिन कुमार मोदी है, मैं रहने वाला अनुगुल उड़ीसा का हूँ। मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या डॉक्टर नेचर वेलनेस की, तो मैं एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैंने शुरुआत की, मेरा शुरुआती दौर, मैं क्यों आया इस इंडस्ट्री में, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, आप सभी को जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई होती है। तो सर, मैं पढ़ाई कर रहा था सीए की पढ़ाई, और पढ़ाई करते करते मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मुझे भुवनेश्वर में 5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था। तो भुवनेश्वर में जब मैं एडमिटेड था हॉस्पिटल पे और मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं सुनता हूँ कि मेरा हीमोग्लोबिन खत्म हो गया है ना, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका हूँ, मेरे बॉडी में सारे विटामिन्स मिनरल्स सारे खत्म हो चुके हैं। तो डॉक्टर को मैंने बात करते हुए सुना मेरी माता जी से, डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि इनका हीमोग्लोबिन और अगर नीचे चले जाएगा शायद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो उस दिन बेड पे लेटे लेटे सर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आदमी जिंदगी भर तक मेहनत करता है, कोई भी फील्ड में मेहनत करता है, पैसे कमाता है एंड भागते रहता है, पैसे के पीछे भागते रहता है, लेकिन वो बहुत चीजें गवा देते हैं, है ना। सैक्रिफाइस वो क्या कर रहा है वो कभी हिसाब ही नहीं लगा पाता कि एक्चुअल में हम कुछ पाने के लिए कितनी कुछ खो रहे हैं। तो बेड पे लेटे लेटे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हेल्थ सेक्टर ही सबसे बेस्ट है और अपने ऐसा कुछ काम करना चाहिए डेफिनेटली लाइफ में कि हम पैसे भी कमाएं और हेल्थ भी कमाएं, राइट। तो वो दिन है सर, आज 8 साल हो गए हैं मैं स्वास्थ्य के सेक्टर में काम कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सीए की पढ़ाई छोड़ करके कुछ हट के लाइफ में कुछ करना चाह रहा हूं। एंड सर, ये है मेरा। बहुत सारे लोगों का मतलब जिंदगी में एक ड्रीम होता है, बहुत सारे लोगों की डिफिकल्ट चीज को डिसाइड करते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इवन सीए की पढ़ाई भी कोई आसान नहीं होती है। और लेकिन आपने जो है उस करियर को छोड़ के और आप हेल्थ या वेलनेस इंडस्ट्री में आए, तो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रांग रीजन है। एंड अगर आपको कोई भी रीजन अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आई थिंक आप सक्सेस ले सकते हैं, और वो आपको देख के लगता भी है। आपने वेलनेस इंडस्ट्री क्यों चुना, आयुर्वेद क्यों चुना, हेल्थ को क्यों चुना, वो समझ में आता है, लेकिन हेल्थ में आपको ये आयुर्वेदिक की दवा की दुकान भी खोल सकते थे या और भी तरीके हैं, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना वेलनेस इंडस्ट्री में? सर, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो चीजें समझ में आने लग गई कि हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
बहुत सारे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ईमानदारी से बताऊं तो सर मैं पैसे के प्रति आकर्षित हुआ और मुझे राइट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी लगी, लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं सभी को बताता हूँ कि मैं गुरु जी को फॉलो करता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी को, और उन्हीं से मैंने ये प्रेरणा ली कि हम लाइफ में हर इंसान अपने लिए ही सोचता है। सर मैं भी अपने लिए ही सोच रहा था, लेकिन जब मुझे इस इंडस्ट्री का पावर समझ में आया कि हम अपने साथ साथ कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं जो पता नहीं किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके भी लाइफ में अर्निंग की जरूरत है, राइट, तो हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, तो ये चीज जब मुझे समझ में आया कि हाँ हम अपने साथ साथ काफी सारे लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, राइट, तो मुझे ये चीज काफी आकर्षित किया। और मुझे धीरे ये समझ में आया कि सर अपने को अगर सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है ना लाइफ में, तो अपने को सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट। बड़े से बड़े लोग अपने नेटवर्क बिल्ड करके ही इस लाइफ में बड़ा कुछ किए हैं, तो हम अपने समय को मल्टीप्लाई करके, है ना सर, हर इंसान, एक इंसान भले ही सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ कुछ लोग सहयोग करें तो हम बहुत लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ये टीम वर्क का पावर मुझे धीरे समझ में आया और मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत आकर्षित किया, तो मैंने लाइफ लॉन्ग इसको करने का निश्चय लिया। वेरी गुड। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां ना केवल आप अपनी मदद कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। एंड आई एम टोटली एग्री विद यू। और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर नेचर में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होते हुए, और मुझे एक्चुअली में वही एक्साइटमेंट रहता है कि लोगों की आज के 5 साल के बाद, आज के 10 साल के बाद लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो रहा होगा। अभी मेरे आपसे बात करते हुए भी दिमाग में चल रहा है कि आज के 5 साल के बाद जब आप स्टेज पे होंगे और हजार लोगों की भीड़ आपके पीछे होंगी आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए, और आप अपनी एक सुपर लग्जरी कार से जब बाहर आ रहे होंगे, और कितने लोगों को प्रेरणा देगा, राइट, नॉट ओनली कि आपको क्या होगा लेकिन इस प्रोसेस में आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुके होंगे। सो दैट्स वेरी ग्रेट एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट कैसे हैं, राइट, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया होगा, उनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ताकि हम समझ सकें या लोग समझ सकें कि एक्चुअल में देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में और पूरी दुनिया में, प्रोडक्ट तरह तरह के तमाम सेल कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ लोगों को मेंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी के लिए प्रोडक्ट दिया जाना लोग देते हैं, तो क्या डॉक्टर नेचर भी वैसा ही है या कुछ अलग है रिजल्ट में? सर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बताया, मैंने हेल्थ के वजह से एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो मेरा झुकाव हमेशा हेल्थ के प्रति हमेशा ही रहता है। और मैंने डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो सर मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया, अपने से स्टार्ट किया, तो हेल्थ के बारे में बिकॉज मैं सीरियस था, तो मैं आज भी सर लगभग आपने देखा ही होगा अपना जो कॉन्टेस्ट चल रहा था कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यूजर कौन है उसको हम कुछ रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसमें भी मैं सर नंबर 1 आया था, क्योंकि मैं लगभग संस्था के जितने भी प्रोडक्ट है सर मैं सारे ही प्रोडक्ट लगभग इस्तेमाल करता हूँ अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए, चाहे वो आंवला हो चाहे वो त्रिफला हो किसी भी रूप में हो, मैं रेगुलर बेसिस उसका सेवन कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लाइट फील होता है, है ना, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है, मेरा गैस्ट्रिक का समस्या खत्म होती जा रहा है, मेरा वेट लॉस हो रहा है सर काफी अच्छा, जो कि एक गंभीर समस्या है आज के डेट में। और मैं बताऊंगा सर, मैं अपने माताजी को दिया एक्चुअली, मेरी मम्मी को घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और रिसेंटली अभी मेरी फैमिली में जब शादी हुई थी तो ठीक मेरी शादी के पहले मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी, तो ये आयुर्वेद ही है सर, ये डॉक्टर नेचर वेलनेस का एक प्रोडक्ट है। मैंने आपको कॉल भी किया कि उनको दस्त हो रहे हैं और कमजोरी लग रही है तो उनको क्या देना चाहिए, तो आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर मैंने उनको प्रोडक्ट चलाया और उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी जो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बोलने से कभी विश्वास नहीं करते, उनको मैंने सर एक्चुअली हमारा जिनसिंग आंवला एलोवेरा टैबलेट दिया था, तो उनको सिर्फ कमजोरी रहती थी, वीकनेस रहती थी, तो उनको चुस्ती फुर्ती के हिसाब से मैंने वो दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा चीज क्या लगा, लाइफ में पहली बार पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और ये प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल करके डब्बे खत्म होने के पहले उन्होंने बोले कि डब्बा खत्म होने वाला एक और ला दो, जो कि मेरे कान तरस गए थे 8 साल सुनते सुनते ये चीज को, तो बहुत अच्छा लगा सर ये चीज। और मैंने अपने वाइफ को भी दिया एक्चुअली, उनको बहुत ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम था, इतनी इचिंग होती थी कि उनको मतलब सहन नहीं होता था लिटरली, तो जब मैंने उनको दिया और उनको आज के डेट में भगवान की कृपा से कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो वो सब देख के इतना इंस्पिरेशन मिलता है, और मैंने न जाने कितने पेशेंट्स को दे दिया ये सब देख के। मतलब रिजल्ट की अगर बात करूं सर, अलग अलग प्रकार की समस्याओं का समाधान ऐसा मिल रहा है कि लोग हम सब डॉक्टर से, मैं आपको बताया मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, लोग डॉक्टर बुलाने लग गए, ये बिजनेस की ब्यूटी, मुझे नहीं पता क्या है हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन डॉक्टर बुलाने लग गए लोग,
और अच्छा लगता है सर इतने सारे लोगों की हम गंभीर गंभीर समस्याएं जब ठीक कर देते हैं ना, तो मुझे नहीं पता पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन कितनी दुआएं कमा रहे हैं उसका कोई मतलब बोल नहीं है। डेफिनेटली आई एग्री। एक्चुअली में देखिएगा, हम देखते हैं दुनिया भर में लोग हमारे आसपास डायबिटीज हो या ज्वाइंट पेन हो या अस्थमा हो या ब्लड प्रेशर हो, सब बीमारियों से परेशान हैं, ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं और पूरी जिंदगी भर वो मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो डॉक्टर ही क्या डॉक्टर है। अगर आप किसी की कोई बीमारी ठीक ही नहीं कर सकते तो फिर आप क्या मतलब कौन सी दवाई दे रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। तो मुझे आयुर्वेद का यही अच्छा लगता है कि यहाँ आप बीमारी को धीरे 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 कम करते हुए खत्म करने की तरफ जाते हैं। नीति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, मतलब भारत में किस राज्य में आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से राज्यों में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सर मैंने स्टार्ट तो सर जैसे मैं अंगुल उड़ीसा का रहने वाला, तो मैंने उड़ीसा से ही स्टार्ट किया और आज सर मेरा बिजनेस नजदीकी आपका वेस्ट बंगाल में चला गया है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, राजस्थान में मैं भी फिलहाल बैठा हूँ, राजस्थान में हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो चुका है, गुजरात में बिजनेस चला गया है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और केरल में है, फिलहाल एमपी में भी अपना स्टार्ट कर गए हैं तो छत्तीसगढ़ में भी है। तो और मैं सर ईमानदारी से बताऊं, मैं इतने राज्य का भी गया कि ये पावर है इस बिजनेस का कि जिसको फायदा मिलता है वो अपने अपने लोगों को बताता है, कोई किसी राज्य में बैठा है और लोग फायदा लेते जाने जा रहे हैं और इन सब राज्यों में ऑलरेडी धीरे धीरे बिजनेस को ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं। वेट, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था, आपने जवाब भी दे दिया कि आप उड़ीसा में रहकर भारत के कितने राज्यों में बिजनेस कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर आपकी ब्रांचेज आपको अलग अलग स्टेट में ओपन करनी है, वैसे तो एक स्टेट में करना बहुत मुश्किल है लेकिन अदर स्टेट में भी आपको ब्रांच ओपन करना तो बहुत एक्सपेंसिव टास्क है जी। और नेटवर्क मार्केटिंग से ये पॉसिबल है कि आप एक जगह बैठ सर आज ही आसाम में भी स्टार्ट करें, आज ही मैंने सुबह प्रोडक्ट भेजा है आसाम और आंध्र प्रदेश में भी सर स्टार्ट करें, मतलब सर गिनती खुद मतलब इतने सारे स्टेट सर स्टार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे हम प्रोडक्ट भेजते चले जा रहे हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है डेफिनेटली। मतलब कहीं से कॉल आता है कि मुझे उड़ीसा से नंबर मिला है और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो सुन के अच्छा लगता है सर कि तो ये बिजनेस आप जो कर रहे हैं क्या ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं एज ए रूबी डायरेक्टर, अभी आप डायमंड के लिए जा रहे हैं तो बहुत लोगों को लगता है यार ये डायमंड बहुत बड़ा मुश्किल चीज है क्योंकि इतना बड़ा इनकम यहाँ पे आता है, तो क्या वाकई ये मुश्किल लगता है? सर मेरे हिसाब से अगर हम क्यों किसी काम को करते हैं, अगर हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो मेरे हिसाब से लाइफ में हर चीज आसान हो जाता है। और जैसा मैंने सीखा है और मैं बिलीव करता हूं कि हम कोई भी काम को अगर ये तीन चीजों में ढाल लें तो हम कोई भी क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, जो कि है लर्न डू एंड टीच। आज मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं या कोई भी क्षेत्र में कोई भी इंसान अगर बढ़ना चाहे तो उस काम को उसको अच्छे से सीखना चाहिए, शिद्दत से सीखना चाहिए, उसकी उससे मोहब्बत हो जानी चाहिए, मैं अगर बोलूं पागलपन हो जाना चाहिए है ना सीखने के लिए। तो आदमी अगर उसको सीखे और उसको शिद्दत से सीख के अच्छे से करे, मेहनत करे और उसके बाद लोगों को सिखाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सर सिंपल बताता हूँ, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता ये बिजनेस कैसे काम करता है, ईमानदारी से बताऊं मेरे को 8 साल हो गए हैं लेकिन मैंने एक ही चीज सीखा है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। सर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, आज भी इस्तेमाल करता हूँ, लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करते रहूंगा क्योंकि मैं हेल्थ को समझता हूँ और मैं चाहता हूँ हर इंसान हेल्थ को समझे क्योंकि और उसके बाद आप इस्तेमाल करने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, रियल में आप क्या फील कर रहे हैं, बस लोगों के साथ शेयर कीजिए, बातें कीजिए कि मैं ऐसा फील कर रहा था, मेरे को ये समस्या थी, ये ठीक हो गया। मैंने मतलब टेस्टिमोनीज यानी आप स्टोरी बताइए, अपनी कहानी बताइए, सच्ची कहानी बताइए कि इनको ऐसा समस्या था, इन्होंने इस्तेमाल किया, इनको आराम मिल गया, आपको चाहिए तो आप ले लो। और यही कर करके सर मतलब चल रहा है काम, मतलब मुझे नहीं पता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में कि काम इतना स्पीड से बढ़ता है। मैंने तो सर एक ही चीज सीखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसी से अपना काम चल रहा है सर। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, लाइक आप अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, डॉक्टर नेचर से कुछ आपने क्या अचीवमेंट करने का आपने सोचा है या कुछ ऐसी चीज जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के सपने होंगे आपसे कुछ मैच करते हो किसी के, और डॉक्टर नेचर कब तक करने का इरादा है, मतलब कितने साल करना चाहिए इस बिजनेस को? सर डॉक्टर नेचर कितने साल करना चाहिए इसका तो कोई मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा डेफिनेटली कि हमारी पीढ़ियां, जितनी पीढ़ियां हमारी आगे तक आए वो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े, डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ में जुड़े,
तो ये बोलना गलत हो जाएगा कि हमको इतने साल तक डॉक्टर नेचर वेलनेस करना चाहिए, हमको जिंदगी भर तक करना चाहिए। और जब हमारे मदद से दूसरे लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है तो जान तक लगा देना चाहिए कि दूसरों की मदद करें, है ना। पुण्य कमाने के लिए तो कुछ भी लोग करना चाहिए, तो हमको ये डेफिनेटली ये काम आगे बढ़ाना चाहिए। और सर दूसरा प्रश्न है कि 5 साल में हम अपने आपको कहां तक देख रहे हैं, राइट। तो सर मैं बताना चाहूंगा सर देखो कि मैं 5 साल में ये देखता हूं कि हम कम से भी महीने के 50 लाख से 60 लाख की अर्निंग पे हूं महीने के, राइट सर। मैं अपने आपको वहां तक देखता हूं और मैं कम से कम अपने साथ जुड़े हुए, सर मैंने अपने फेसबुक पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये डाला हुआ है कि मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य है कि मैं जिंदगी भर में कम से कम 10 करोड़ लोगों को टच करना चाहता हूं, उनके घर में एक ही प्रोडक्ट ही सही लेकिन उन तक ये हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस कोई ना कोई प्रोडक्ट डेफिनेटली पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही साथ कम से कम सर, कम से कम हम ये 5 साल के अंदर, वैसे तो प्लानिंग तो सर बहुत लंबी है लेकिन ये 5 साल के अंदर मैं कम से कम 100 डायमंड क्रिएट करना चाहता हूं अपनी टीम में। कि और मैं सर ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं बीच से बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर आप कितने तक कितने समय तक हमारा साथ देंगे, बोला सर ये शरीर का खून का आखिरी कतरा बहने तक भी मैं आपका साथ देने वाला हूं, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आ गया है कि आगे वाला जमाना वेलनेस का ही है। लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा कि हम जो मसाले खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब में जहर है और वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को अफेक्ट करते जा रहे हैं। हम सांस भी ले रहे हैं तो भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाला जमाना वेलनेस का है, हमको निरंतर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अब मैं जब सुनता हूं सर कि 9 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, तो मैं बोल रहा हूं सर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितना खराब दुनिया किस दिशा में जा रहा है और हम कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। तो सर उन लोगों की मदद करने के लिए सर जान मुझे लगा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। डेफिनेटली हम सब यही चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी बीमारी की वजह से अपनी जान ना खोए। डॉक्टर नेचर आयुर्वेदिक मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट में तो काम कर ही रहा था जैसे आप जानते हैं, लेकिन डॉक्टर नेचर ने अभी प्रीमियम क्वालिटी के ऑर्गेनिक और बहुत सेफ जिसको बोल सकते हैं वैसे मसाले हम लोग लाए हैं। चाय हमारे सामने रखी है, हमने चाय भी लॉन्च किया है। तो इन नए प्रोडक्ट्स को लेकर कैसा उत्साह है या आपको कैसा लगता है कि ये प्रोडक्ट बिजनेस में ऐड करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि एक्चुअली जो बोलते हैं ना शुद्धता, राइट, जो प्योरिटी बोलते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है कि हमारी संस्था में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। आज मैंने ऑलरेडी जब से प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं सर, लगभग हमने बहुत सारे मसाले बहुत जगह पर ऑलरेडी पहुंचवा दिए हैं। मैंने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखा, हमारा चाय पत्ती इस्तेमाल करके देखा, मैंने चाय पी के देखा सर, हमने हमारा सेंधा नमक इस्तेमाल करके देखा, हिमालयन पिंक सॉल्ट, सर कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैं अगर ईमानदारी से बताऊं ना तो इतना एक्साइटमेंट है। एक्चुअली रिसेंटली अभी हम एक माता जी से मिलने गए थे, वो रेगुलर चाय की शौकीन है, और उनका बोलने का मतलब है हम इसी ब्रांड का चाय पत्ती सालों से पी रहे हैं, आपकी चाय पत्ती में ऐसा क्या खास है? मतलब देखिए माता जी मुझे भी पता हमारे चाय पत्ती में क्या खास है, मैंने ऐसे पैकेट खोला उसके रैपर पड़ा, पैकेट खोला उसको स्मेल करा दिया, वो बोले मुझे दे दो, मुझे नहीं पता, उन्होंने पिया भी नहीं। उनकी उसकी खुशबू से ही अगर एक आदमी उसको ले लेता है, एक इंसान उसको ले लेता है तो, और एक्चुअली क्वालिटी है सर, मैं अगर बताऊं मतलब जितनी जड़ी बूटियां चाय पत्ती से, चाय पत्ती है इसमें जड़ी बूटियों का भंडार है, मतलब चाय पत्ती नहीं है सर। तो चीज जब अच्छी होती है तो लोग डेफिनेटली सर एक्सेप्ट करते हैं और 4 लोगों को बताते हैं। रिसेंटली हमने एक जगह हल्दी पाउडर दिया था, वो हल्दी खा करके बोलते हैं इसके और क्या क्या है, मतलब एक चीज जब हम किसी को देते हैं सामने वाला खुद से पूछता है ना कि इसके और क्या क्या आते हैं, हम इसको मतलब वो लोग पूछना चाहते हैं इसके बारे में और आपको जानकारी दीजिए, तो अच्छा लगता है सर सुन करके कि हम डेफिनेटली कोई अच्छा काम कर रहे हैं। चीज सब प्योर होता है तो सर काम करने में सच में मजा आता है, लोगों को देने में मजा आता है। और रिपीट ये बिजनेस का सर खूबसूरती यही है कि लोग रीपर्चेस करते हैं, बार बार रीपर्चेस करते हैं। एक बार हमने किसी को दिया हमको उसको बार बार नहीं बोलना पड़ता, भैया का खत्म हो गया तो लेने आ जाओ, वो खुद खत्म होने के बाद कॉल कर देता कि भाई मेरा खत्म हो गया, फटाफट आप जुगाड़ कर दो दूसरा वाला। तो बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है तो आपको लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करना है, राइट, हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा और कहता भी हूं कि भी तुम लाइफ में जो भी कुछ कर लो तुमको सेहत जरूर चाहिए होगी, और ये प्रोडक्ट नहीं एक्चुअली लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट की वजह से लोगों के घर चलते हैं, लोगों की जिंदगी बदल जाती है, लोगों की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहते हो तो भैया एक दिन तुम खुद बिक जाओगे, ऐसा मुझे लोगों के लिए लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली
लाइफ में अगर आप लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बैठे बैठे रात में सोएं और सुबह करोड़पति बन जाएं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइफ में आपका एक बेहतर नजरिया बने, लोगों को मदद करने की आपको ताकत मिले, लोगों को सही में ट्रू वेल्थ जिसको बोल सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों, वो अगर चाहिए, बहुत सारी खुशियां चाहिए, बहुत मौज मस्ती चाहिए, डॉक्टर नेचर में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे हम लोग डोमेस्टिक भी ट्रेवल करते हैं। जयपुर में हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, इसके अलावा नैनीताल जाने वाले हैं, उसके बाद शायद हम लोग नेक्स्ट यू शायद और किसी कंट्री में। सर काम करते रहता है लेकिन जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो एंजॉय करने का मौका जो मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं सर हम आज तक उड़ीसा के बाहर नहीं गए, हम पहली बार जयपुर है, और वो जब नई नई चीजें देखते हैं ना सर उनको भी अच्छा लगता है। मतलब पैसे तो हर आदमी कमा लेता है, ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ सर पैसे बहुत कमा रहे हैं लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने घूमने के लिए समय नहीं है, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जब क्या वैल्यू है सर उस पैसे का। नितिन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ढेर सारी बातें आपसे हुई, बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होंगे और हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं आप ही की तरह जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएं। कई लोग फिलहाल ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे कोविड के बाद, शायद उनके जॉब की प्रॉब्लम होगी, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, छोटे से जॉब के लिए 10-15 हजार रुपए के जॉब के लिए दूसरे सिटी में जाते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके तमाम रीजन होंगे जो डॉक्टर नेचर को ज्वाइन करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा देश के अलग अलग राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश के किसी भी कोने से अगर कोई युवा, कोई भी भाई बहन आपसे संपर्क करता है या करती है तो क्या आप उनको हेल्प कर पाएंगे, क्या आप उनको भी आप ही की तरह डायमंड के लेवल पे ले जा सकते हैं, आप किस तरीके से उनको मदद कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आपको अपना नंबर भी शेयर कर दें और एक मैसेज दे दें कि लोग अगर आपसे संपर्क करते हैं तो डेफिनेटली उनको कॉन्फिडेंस हो कि आप उनकी मदद करेंगे, आपका नंबर भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग आपसे संपर्क करें और आप ही की तरह वो भी तरक्की करें। बिल्कुल, तो मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, इनफैक्ट दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, तो डेफिनेटली मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। आपके एग्जिस्टिंग वर्क जो आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी में हम समय निकाल करके किस प्रकार से डॉक्टर नेचर को साइड बाय साइड करके एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं, एक अच्छा करियर ग्रोथ ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो घर से काम करना चाहती हैं, तो वर्क फ्रॉम होम राइट, हम घर से रहकर भी आपके हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं वर्क मॉडल, जहां पर आप घर से रहते हुए भी बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ के काम कर सकती हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9040002943 और मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 9437900971। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।